देखिए एच वी जेड रिएक्शन, एच वी जेड रिएक्शन, बेटा एग्जाम में एच वी जेड रिएक्शन ऐसे ही लिखा मिलता है, पर अगर कोई फुल फॉर्म लिख दे तो आपको पता है इसे हेल वॉल आर्ट जेलिंसकी रिएक्शन। बता सकते हैं मुझे इसके बारे में? बताइए। हेलो जी, अनबॉक्स अनबॉक्सिंग है सर की, अनबॉक्स। देखिए It is the method of preparation of, it is the method of preparation of alpha haloss, alpha haloss by using red phosphorus and halogen. All carboxylic acids, all carboxylic acids containing alpha hydrogen, containing alpha hydrogen, give this reaction. जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो सभी ये रिएक्शन शो करते हैं। सो ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन शो दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम रेड फास्फोरस और हैलोजन को यूज करते हैं, तो हमारे पास अल्फा हेलो एसिड का मेथड ऑफ प्रेपरेशन। अगर मैं एकेडमिक एग्जाम की बात करूं तो इससे अलावा इसमें कुछ और लिखने के लिए नहीं, लेकिन कंपटीशन में आप जानते हैं हाइड्रोजन की जगह हम कुछ भी लगा सकते, इसलिए ये रिएक्शन की वास्टनेस हो जाती है। सो बेसिकली इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। तो अगर आपने CH3CH2COH लिया, उसको आपने रेड फास्फोरस और ब्रोमीन दे दिया, सो आपके पास अल्फा ब्रोमो प्रोपनोइक एसिड आ रहा है। सो वी हैव अल्फा ब्रोमो प्रोपनोइक क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन है और आयोडीन इसलिए नहीं लगाते कि आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो निकल जाता है, तो प्रोडक्ट में एल्कीन बन जाता है, लेकिन कोई लिमिटेशन की फॉर्म में पढ़ाया नहीं जा रहा। तो हमने ये नहीं सोचना है कि इसकी कोई लिमिटेशन, हमारे लिए ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड है। इसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। Give reasons why. Carboxylic acids. Carboxylic acids have higher boiling point. Higher boiling point. Then corresponding alcohols and corresponding alcohols. अपूर्व रीजन बताएं।
जी मुझे लगा सब बता सकते हैं, कुछ खास नहीं, तुक्का भी मारेंगे तो भी सही रहेगा, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री को लगा के आपसे। आशु रिजल्ट है, नहीं, वेरी गुड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलैरिटी के कारण एल्कोहल से ज्यादा होती है। लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड have stronger hydrogen bonding than alcohols due to higher polarity of OH bond. जब हम एल्कोहल्स को ईथर से कंपेयर करते हैं, एल्कोहल्स को एल्केन से कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं एक के पास कार्बोक्सिलिक, एक के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को कंपेयर करते हैं तो हम ये वर्ड नहीं दे सकते, इसमें हमें लिखना पड़ता है कि दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और दूसरे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीकर है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट कार्बोक्सिलिक एसिड में पोलैरिटी ज्यादा है। HCOH फॉर्मिंग एसिड, फॉर्मिंग एसिड डज नॉट गिव फॉर्मिंग एसिड, डज नॉट गिव HBZ रिएक्शन, व्हाइल एसिटिक एसिड डज। आपसे इसलिए पूछा, आपसे नोट बुक से रिलेट कर अभी लिखा। वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। HBZ रिएक्शन इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैज, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मिंग एसिड HCOH डज नॉट हैव alpha hydrogen while acetic acid has तो फॉर्मिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एसिटिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एसिटिक एसिड HBZ देता है और मेरे पास फॉर्मिक एसिड HBZ नहीं देता। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव
reactions of carbonyl group. कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन वो कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शन नहीं दे पाता है। सीओ बॉन्ड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में सीओ बॉन्ड है, लेकिन फिर भी वो कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शन नहीं दे पाता। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव रेजोनेंस फ्रॉम ओएच ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस efficiency of carbonyl carbon so it does not give reactions of carbonyl तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रेजोनेंस होती है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाती है और कार्बोनाइल ग्रुप होने के बावजूद ये कार्बोनाइल ग्रुप के रिएक्शन शो नहीं कर पाते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोनाइल ग्रुप है लेकिन वो रिएक्शन नहीं दे पाते। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा उसी पर जाएगा जिसके पास वो चीज है पर वो रिएक्शन शो नहीं कर, जिसके पास नहीं है उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे। आपके पास दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप है लेकिन एक में कार्बोनाइल के रिएक्शन हो रहे हैं और एक में नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दिखा पाते हैं लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दिखा नहीं पाते। डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स is more than alcohols. Carbonyl compounds mein dipole moment alcohol se zyada hoti hai. Reason? Haan ji, very good. Polar pi bond uske karan deficiency create. कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव पोलर पाई बॉन्ड सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज positive and negative charges are developed due to resonance which increases dipole moment which increases dipole moment
तो हमारे पास डायपोल मोमेंट को इंक्रीज करने के लिए कार्बोनाइल ग्रुप में रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण एक कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाता है। एल्कोहल्स में ऐसा नहीं होता, वहां पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है जिसके कारण पोलर पाई बॉन्ड्स क्रिएट होते। एसीटोन इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एसीटोन इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? एसीटोफिनोन। व्हाई? Acetophenone has poor solubility। अब इस क्वेश्चन पे पहला चैलेंज तो बच्चों को यही आता है कि एसीटोन और एसीटोफिनोन नहीं पता, सॉल्युबिलिटी पे कमेंट तभी कर रहे हैं। इसीलिए आपको एक एक वीक में एक एक चैप्टर दिया गया है कि उस चैप्टर में जो चार पांच इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कॉमन नेम्स हर बच्चे को आने चाहिए, आप उन्हें मास्टर राइट। तो आपको इस वीक में एसीटोफिनोन, एसीटोन, इथेनॉल, सम एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उनके फॉर्मूलाज को रटना है राइट। आपको नाम सुनते ही पता चल जाए अच्छा ऐसा है। एसीटोन इज CH3COCH2 एंड एसीटोफिनोन मींस वन मिथाइल इज रिप्लेस्ड बाय बेंजीन। तो बेंजीन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, बिगर एल्काइल चेन, सो इट विल बी वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर सॉल्युबल ड्यू टू their ability to form hydrogen bonding। Acetophenone has bigger hydrophobic group that is benzene। So it has poor solubility। So it has poor solubility। So acetophenone or acetone में से acetophenone में poor solubility है क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक ग्रुप बड़ा है। एस्टोफिनोन का मतलब क्या हो गया? C6H5 COCH3। एस्टोफिनोन में एक साइड पर बेंजीन रिंग लगी है जिसका हाइड्रोफोबिक नेचर है, इसी के कारण ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन पैसेज बेस ले रहा हूँ, इस पेपर्स में आया है। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो इसमें इस चैप्टर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस पर हम क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पैसेज बेस है, लिखिएगा। एंड एरोमेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड ए, फॉर्मूला दिया है C8H8O gives
पॉजिटिव 2,4 डीएनपी, पॉजिटिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, इट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी, इट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी. On treatment with iodine and sodium hydroxide solution, compound A. Compound A does not give tollens or bearing test, tollens or bearing test on drastic oxidation with permanganate. It forms carboxylic acid. It forms carboxylic acid C. Formula diya aapko C7H6O. वैसे इस क्वेश्चन में सारी कहानी नहीं भी लिखते तो भी हम ढूंढ लेते. उसने लिखा फिर क्वेश्चन दिए हैं एबीसी. आइडेंटिफाई एबीसी पहला क्वेश्चन. सेकंड, राइट ऑल केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, वो लिखेंगे उसके बिना काम नहीं चलेगा. राइट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सी, कोई एक मेथड लिखना है जिससे सी बनाया जा सके. ये कोई क्वेश्चन, कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ. ये भी नहीं बताया कहाँ से बनाना है, कैसे बना लो, लॉटरी है. व्हाट हैपेंस व्हेन सी रिएक्ट्स विद अमोनिया, विल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी विल बी हायर देन ए. ए से बॉइलिंग पॉइंट हायर ही होगा क्योंकि ए एल्डिहाइड कीटोन है और सी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो उस क्वेश्चन का आंसर तो बिना इस कहानी को पढ़े ही आ जाता है. अब इस कहानी में पहली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है 2,4-DNP मींस इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड और अ कीटोन. 2,4-DNP पॉजिटिव होने का मतलब है या तो वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है. सेकंड कह रहा है If it gives yellow precipitate of B on treatment with iodine and sodium hydroxide, क्या iodoform test हो? Iodoform test acetaldehyde के अलावा कोई दूसरा aldehyde दे नहीं सकता. So this is only possibility of methyl. अब इसने formula ऊपर मुझे aromatic दे रखा है, तो इससे आगे की story मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. So मेरे पास एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन में ये मेरे पास C8H8O2 आ गया. तो एसिटोफिनोन में मिथाइल कीटोन है. ये मिथाइल कीटोन है जो आइडोफॉर्म देता है. जैसे उन्होंने कहा कि आइडोफॉर्म देगा तो मुझे पता चल गया वो मिथाइल कीटोन. एरोमेटिक उन्होंने कहा था तो बेंजीन को पता था. अब इससे ज्यादा तो सोचने की जरूरत नहीं. अब इसका रिएक्शन करवाया मैं आयोडीन इन NaOH, तो यहां से मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड.
और आयनोफॉर्म, आयनोफॉर्म मींस कंपाउंड बी विच हैज येलो पीपीटीज। तो मेरे पास येलो पीपीटीज वाला कंपाउंड बी मेरा आयनोफॉर्म टेस्ट है। फिर उन्होंने कहा कि इसे KMnO4 से ट्रीट किया, इसने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ये तो किसी भी कीटोन में होना ही था, साथ में CO2 और वाटर, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। अब मुझे टॉलिंग या फैलिंग बताते या ना बताते मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, राइट। वो तो सिर्फ स्कूल लेवल एग्जाम में इसलिए आसान करने के लिए उन्होंने आपको बता दिया कि एल्डिहाइड नहीं है, नहीं देना है। तो आपने कोई आइसोमर ऐसा नहीं लेना जिसमें एल्डिहाइड हो। एक अच्छे स्टूडेंट को मिथाइल कीटोन वर्ड पता चलते ही स्ट्रक्चर पता चल जाता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मिथाइल कीटोन कैसे पता चला? येलो कलर्ड कंपाउंड विद आयोडीन, आयोडीन विद NaOH येलो कलर्ड कंपाउंड, सिंगल आंसर है, दैट इज आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म इज गिवन बाय मिथाइल। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन दे रहे हैं, बाकी बाकी हम अगली क्लास में हमारा टारगेट होगा ABCD वाले रिएक्शन करना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करना, एसिडिक रिएक्ट करना। और आपके कोई कंसर्न होंगे तो उन्हें। हेलो,